फोन भी अब उनसे खूबसूरत भोजपुरी में कोई नहीं गाता। आप सभी ने हमेशा भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच दोस्ती विवाद और न जाने कितनी तरह की बातें या वाक्य सुने होंगे और इन सभी में कितनी प्रतिशत सच्चाई होती है, बिना उसे जाने ज्यादातर उस पर यकीन भी कर लेते हैं। मगर हाल ही में एक भोजपुरी एक्ट्रेस के सामने उनके साथ एक चिटचैट शो के दौरान ट्रेंडिंग स्टार पवन सिंह को लेकर खेसारी ने ऐसी कई बातें कही जिसे सुनकर खेसारी और पवन दोनों के फैंस को सुनकर शॉक लगेगा। उन्होंने क्या कहा ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर खेसारी से सवाल क्या किया गया था। दरअसल एक्ट्रेस पूनम दुबे ने चिटचैट शो के दौरान ऐसे कई सवाल किए जिसमें खेसारी को ये बताना था कि भोजपुरी के स्टार्स अगर सिंगर और एक्टर नहीं होते तो वो और क्या हो सकते थे, मतलब कि क्षेत्र में होते। ऐसे में जब नाम आया पावर स्टार पवन सिंह का तो खेसारी ने बेधड़क होते हुए कहा वो उस तरह के शख्स हैं जिनमें इतनी खूबी और काबिलियतें हैं कि उन्हें कभी काम की कमी नहीं पड़ती। वो ऐसे शख्स हैं जो अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लेते। आगे खेसारी ने पवन सिंह की दमदार आवाज पर भी बात की और कहा मैं उनकी आवाज का कायल हूँ, वो जिस तरह गाते हैं उनकी जो आवाज है ऐसी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं। उन पर सरस्वती माँ की इतनी कृपा है कि उन्हें काम की कभी कमी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि सच्चाई हर आदमी को बोलनी चाहिए, चाहे वो मेरे बारे में हो या किसी दूसरे एक्टर के बारे में। और पवन भैया से जुड़ी सच्चाई यही है कि उनके पास जो दमदार आवाज है वो उन्हें कभी रुकने या ढलने नहीं देती। उन्हें काम के लिए रोटी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ता। वो जहां भी रहते अपनी आवाज के दम पर ही अपनी छवि बना लेते। सुना आपने, हम जानते हैं कि ये सुनकर इनके हेटर्स को जहां जोर का झटका लगा होगा वहीं दोनों की जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस के दिल बाग बाग जरूर हुए होंगे। पावर स्टार के अलावा खेसारी से बाकी स्टार्स के बारे में भी पूछा गया तो खेसारी ने बड़े ही गर्व से कहा कि सब उनसे बड़े हैं, वो उनकी इज्जत करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनकी वजह से ही आज इंडस्ट्री का नाम बाकी जगहों पर शान के साथ पुकारा जाता है। वही जब बात आई अपनी, यानी खेसारी अगर एक्टर ना होते तो क्या होते, इस सवाल पर एक्टर ने अपनी ही चुटकी लेते हुए बोला मैं लिट्टी चोखा बेचता और बेच रहा था, पर किस्मत पलटी और मैं इस पायदान पर आ गया। चटपटे और मजेदार सवालों से भरे शो में खेसारी ने और भी कई बातों का खुलासा किया मगर पावर स्टार समेत बाकी सुपरस्टार्स के लिए उन्होंने जो जो कहा वो सुनकर तो वाकई मजा आ गया। तो खेसारी और पवन सिंह के फैंस आपका इस बारे में क्या सोचना और कहना है, वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।